एक्सलेशन, चलो इसमें पहले ही बता दिया कि एक्सलेशन भैया कांस्टेंट है, ठीक है, एंड इट्स चेंज इट्स वेलोसिटी 10 to 20। अब देखो जब एक्सलेशन कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट एक्सलेशन से जो वेलोसिटी है 10 से 20 हो गई इन पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 130 मीटर इन टाइम टी। टी टाइम में जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 135 मीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी तक जाने में टाइम लग गया होगा टी, और ए और बी पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू अब टी हमें निकालना, अब टी कैसे निकाला जाए यार, ठीक है, तो टी निकालने के लिए मुझे एक्सलेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस यू टाइम टी, ठीक है, बट टी हमें पता ही नहीं यार, तो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 अपन टी, तो ए आ जाएगा 20 अपन टी इज इक्वल टू 10 बाई टी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें एक्सलेशन भी नहीं पता है, तो एक्सलेशन नहीं पता तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सलेशन पता कर लें, ठीक है। आप इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा सकते हो, ऑब्वियसली लगा सकते हो। इस ए को उठा के इसमें रख दो, ठीक है, इस ए को उठा के इसमें रख दो, ठीक है, और ये यू यहाँ दिया हुआ है और यहाँ ये 135 है, और थर्ड इक्वेशन से भी लगा सकते हो, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से भी लगा सकते हो। तो वी स्क्वायर बोलो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और माइनस इसका स्क्वायर 10 का 100 इज इक्वल टू 2 एक्सलेशन ए डिस्टेंस 135, ठीक है, तो 135, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 300, और 135 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 270, 35 दुना 70 और 203, ठीक है, 270, तो ये जीरो ने जीरो काट दिया, और ये आ जाएगा 10/9, ठीक है, तो ये ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये आ जाएगा 10/9 दैट इज इक्वल टू t/t, मतलब t की वैल्यू 9 सेकेंड, ठीक है। तो इसको ए से बी तक जाने में अपनी वेलोसिटी 10 से 20 करने में और 135 मीटर चलने में जो टाइम लगा होगा वो 9 सेकेंड लगा होगा, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है, चलो।